आए नहीं ना घूमा बना दिया साइकिल का दबा रहा है और बीजेपी का पुल बन के आ गया है। ये है तो समस्या क्या है, हमें तो मशीनों में जाए गड़बड़ी लग रही है। तीन नंबर पे बटन दबाया साइकिल का, उस पर मतलब मोर आई है पुल पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? उन्होंने हाथ तोड़ के मुझे बाहर को निकाल दिया। नमस्कार, मेरा नाम अल्ताफ है और आप देख रहे हैं दिकंटा। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में 9 जिलों के कुल 55 विधानसभा के लिए वोटिंग की जा रही है, लेकिन जो लोग वोट डालकर वापस आ रहे हैं उनकी शिकायत है कि वो वोट तो साइकिल को दे रहे हैं मगर उन्हें जो पर्चा मिल रहा है उसमें कमल दिखाई दे रहा है। आप ये वीडियो देखिए जिसे एक निजी चैनल हिंदुस्तान लाइव के पत्रकार फरहान गैया ने किया है। तीन नंबर पे बटन दबाया साइकिल का, उस पर मतलब मोर आई है साइकिल पे, उस पर फूल पे। तो आपने फिर क्या किया? मैंने वहाँ पर चैलेंज करी इस बात की। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? उन्होंने हाथ तोड़ के मुझे बाहर को निकाल दिया। दरअसल मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा 27 बूथ संख्या 417 पर जब लोग साइकिल निशान पर वोट दे रहे थे लेकिन पर्चा कमर का निकल रहा था, वहीं इस मसले पर समाजवादी पार्टी ने भी फेसबुक के जरिए इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा 27 बूथ संख्या 417 साइकिल निशान पर वोट देने के बाद पर्ची कमर की निकल रही है। गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन संज्ञान लेकर निष्पक्ष पारदर्शी और भय मुक्त चुनाव सुनिश्चित करें। समाजवादी पार्टी ने इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वहाँ डीएम मुरादाबाद को भी टैग किया है। क्या मतलब कोई आई खबर यहाँ? कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं ना घूमा बना दिया साइकिल का दबा रहा है और बीजेपी का पुल बन के आ गया है। ये है तो समस्या क्या है, हमें तो मशीनों में जाए गड़बड़ी लग रही है और इस चीज को देखा जाए और हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, हमारी शिकायत को कोई सुन नहीं पा रहा है। याद में याद में याद में लगती है हाजिर हाजिर पूरे दिन के साथ में दिल सेट लगती है। ये हो कहां पर रही है? ये काम ये अंदर हो रहा है अंदर। इसके नाम बताइए, नाम नाम बताइए, नाम बताइए। वही समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में गलत रीडिंग का भी आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा गया है कि मुरादाबाद जिले की विधानसभा कांट 25 बूथ संख्या 364 पर बार बार ईवीएम खराब होने की शिकायत आ रही है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करते हुए मतदान कराने की कृपया करें। इसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने आगे लिखा कि संबल जिले के विधानसभा चंदोसी 31 बूथ संख्या 171 और 175 पर फर्जी वोटिंग की शिकायत आ रही है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करते हुए पारदर्शी निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव कराए। एक और ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा कि बदायूं जनपद की विधानसभा बिसौली 112 बूथ संख्या 363 पर सुबह से हाथ से लिखी हुई पर्ची से वोट पड़ रहे थे, अब मतदान अधिकारी वोटरों को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि हाथ से लिखी हुई पर्ची से वोट नहीं डाला जा सकता, चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले। तो ऐसे ही लगातार समाजवादी पार्टी ट्विटर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को बता रहा है कि वोटिंग में किस तरह की धांधली हो रही है और बीजेपी कैसे चुनाव को गलत तरीके से करने की कोशिश कर रही है और गलत तरीके से वोटिंग कराने की कोशिश कर रही है। तो खैर, आप भी कमेंट करके बताइए कि इस तरह से ईवीएम में हो रही गड़बड़ी पर आप क्या सोचते हैं और क्या ये सच में ईवीएम की गड़बड़ी है, ईवीएम की खराबी है या विपक्षी पार्टी या फिर भाजपा की कोई साजिश चुनाव में गड़बड़ी करने की। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दिकंटा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।